हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय ट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आपको भक्ति जेम्स एंड ज्वेलरीज कंपनी की डिटेल, टेक्निकल प्लस फंडामेंटल एनालिसिस बताने वाला हूं। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पे मैं उन सभी स्टॉक की डिटेल, टेक्निकल, फंडामेंटल एनालिसिस बताता हूँ जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अगर आप उन स्टॉक की टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस पर वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो पहले हम बात कर लेते हैं टेक्निकल एनालिसिस पर। जैसा कि हमने यहाँ चार्ट ओपन किया है भक्ति जेम्स एंड ज्वेलरीज का, इस शेयर की प्राइस 20 रुपये है और एक दिन के टाइम फ्रेम में ये स्टॉक काफ़ी तेज़ी हमें देखने को मिल रही है। तो अगर हम यहाँ इसके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को बनाते हैं तो ऑल ओवर हमारा जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है ये वाला, यानी स्टॉक का जो मेजर सपोर्ट देखने को मिल रहा था 14 रुपये का, यानी 14 रुपये के लेवल से ही स्टॉक में कंटिन्यू तेज़ी देखने को मिली। जब स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हो रही है तो ऑलमोस्ट 14 रुपये के लेवल से ही यहाँ पे वापस बाउंस बैक करते हुए देखने को मिला है। एक रेजिस्टेंस हमें ये देखने को मिल रहा है ये वाला ऑलमोस्ट 20 रुपये का, जो कि यहाँ पे आज ब्रेकआउट होते हुए देखने को मिला है। इससे पहले भी आप यहाँ देख सकते हो कि स्टॉक में कंटिन्यू साइडवे होने के बाद जैसे इसने ऑलमोस्ट 20 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट किया तो यहाँ स्टॉक में कंटिन्यू तेजी देखने को मिली। और हमारा जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल रहा है 25 रुपये का, तो ये 20 रुपये वाला स्टॉक अगर इसी तरीके से अपर सर्किट में रहा तो 25 रुपये तक हमें देखने को मिल सकता है। 25 रुपये के लेवल को अगर ये प्रॉपर ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ वापस ये कंटिन्यू तेजी दिखा सकता है, बट हो सकता है 25 रुपये के रेजिस्टेंस लेकर वापस स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट भी देखने को मिल सकती है, जैसा कि यहाँ हमें पहले देखने को मिला था। यानी 25 रुपये के लेवल को टच करने के बाद वापस कंटिन्यू हमें गिरावट देखने को मिली थी। वापस यहाँ पर 20 रुपये का रेजिस्टेंस बनाया, देन कंटिन्यू 14 रुपये का सपोर्ट लिया, फिर वापस यहाँ पे बाउंस बैक किया। जैसे इसने ऑलमोस्ट 20 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट किया, 25 रुपये के लेवल को ब्रेकआउट किया, कंटिन्यू हमें तेज़ी देखने को मिली। तो ये छोटे स्टॉक्स में लोअर सर्किट एंड अपर सर्किट हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। तो आप छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करें। आप छोटे स्टॉक्स में उतना ही इन्वेस्टमेंट कर सकते हो फॉर द प्रॉफिट कमाने के लिए, जितना आप रिस्क ले सकते हो 1000-2000 रुपये का। बट ये छोटे स्टॉक्स काफ़ी ज़्यादा रिस्की होते हैं। हो सकता है 25 रुपये से कंटिन्यू तेज़ी दिखा सकता है, बट 25 रुपये से ये नीचे भी आ सकता है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। डेली टाइम फ्रेम के बाद हमें यहाँ देखना है लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम, यानी जैसे हम बात कर लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पर। 1 आवर के टाइम फ्रेम में आप यहाँ देखते हो तो 1 आवर के टाइम फ्रेम में भी यहाँ पे अपर सर्किट देखने को मिला है। तो छोटे स्टॉक्स में जितना आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो कि हमें ये 1000-2000 शेयर्स खरीद के पटक दें और लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी मल्टीपल का रिटर्न देगा, तो ऐसा नहीं होता है दोस्तों। कुछ शेयर्स चल जाते हैं बट ऑल ओवर शेयर्स आपको काफ़ी नेगेटिव रिटर्न देते हैं और फिर आप लॉस में आ जाते हो। तो इस स्टॉक से बचने के लिए आपको पहले कंपनीज के फंडामेंटल्स देख लेने चाहिए। जैसा कि हम कंपनीज के फंडामेंटल्स की बातचीत करें तो ये जो कंपनी है मात्र 20 करोड़ की कंपनी है। करंट प्राइस 20 रुपये, स्टॉक का लो 10 रुपये, स्टॉक का ही 72 रुपये। बुक वैल्यू की बात करें 15 रुपये 30 पैसा। डिविडेंड यील्ड 0.0 है। आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 2%, जो कि काफ़ी कम हमें देखने को मिल रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत कम देखने को मिला है, मात्र 1.5% का। फेस वैल्यू 10 रुपये की है। डेप्ट इक्विटी 0.12 है, यानी कंपनीज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। और कंपनीज के बिजनेस की बात करें तो ये जो कंपनी है यहाँ पे ज्वेलरीज मैन्युफैक्चरर्स एंड होलसेल ब्रांडेड ज्वेलरीज में यहाँ पे काम कर रही है, यानी कंपनीज का जो मेन बिजनेस है ज्वेलरीज को मैन्युफैक्चरर्स करके होलसेल में उसको सेल आउट करती है। अगर हम यहाँ बात करें कंपनी के क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस रिजल्ट पर तो आप यहाँ देख सकते हो कंपनीज को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट देखने को मिला है। यानी स्मॉल कैप की कंपनी है तो यहाँ पे प्रॉफिट्स भी काफ़ी कम हमें देखने को मिलेंगे, मात्र 14.14 करोड़ के प्रॉफिट्स देखने को मिले हैं। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस जो प्रॉफिट्स हैं वो यहाँ पे लॉस में देखने को मिला, यानी काफ़ी टाइम से कंपनीज को कोई भी प्रॉफिट नहीं देखने को मिला था और अभी कंपनीज को जो लॉस है 1 करोड़ का लॉस है। यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस थोड़ा प्रॉफिट देखने को मिला बट ईयर ऑन ईयर बेसिस जो लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 1 करोड़ का। अगर हम बात करें बैलेंस शीट में तो कंपनीज के रिजर्व्स यहाँ पे बढ़ते हुए देखने को मिले, काफ़ी अच्छा है कंपनीज के जब रिजर्व्स बढ़ते हैं। बोरोइंग्स की बात करें तो ऑल ओवर 2 करोड़ का बोरोइंग्स है, यानी कंपनी ने अपना जो बोरोइंग्स था 7 करोड़ से अभी 2 करोड़ किया है। ऑल ओवर कंपनी ने काफ़ी कम बोरोइंग्स यहाँ पे है कंपनी के पास। अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर्स ने अपनी स्टेक्स यहाँ पे कम किए हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो सितंबर 2020 में इस कंपनी के प्रमोटर्स के पास 59% के स्टेक्स है, जो कि कम होकर अभी 53% के स्टेक्स है। यानी जब कंपनी के प्रमोटर्स
कंपनी से शेयर्स सेल करते हैं तो वो कंपनीज काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए, शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। इसी वजह से स्टॉक में कंटिन्यू गिरावट हमें देखने को मिलती है। और अगर हम पब्लिक होल्डिंग की बात करें तो इन इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे पैसा लगाया हुआ है, तो क्या इस स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए या अवॉइड करना चाहिए? जैसा कि कंपनीज के फंडामेंटल्स हम देखते हैं तो ऐसी कंपनीज यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिस्की होती है फॉर द लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए। अगर आप इस कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो और लॉन्ग टर्म के लिए वेट करते हो तो आप यहाँ बुरी तरह फंस सकते हो। फिर भी आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचिए। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए। थैंक यू।